ओए उठ इधर आ। बराज साहब पहचानते हैं हम इसको? वारदात इसी ने की थी। लेकिन सर गोली मैंने नहीं चलाई थी सर, सर वो मेरी गोली से नहीं मरा था सर। सर राम रशेद को ढूंढे सर, गोली उसी ने चलाई थी सर, और उसी ने कत्ल किया सर। आप परेशान ना हो फराज साहब, इसके पास ड्राइंग रूम में जाने की देर है, फिर ये सब फर फर बोलने लगेगा। छोड़े ना बच्चो, वो लोग आपकी इज्जत नहीं करते, आपको याद भी नहीं करते, तो आप क्यों रो रही हैं उनके लिए? नहीं रो रही हूं। बस वो लोग ना सिर्फ बड़े घर में रहते हैं मगर उनका दिल बहुत छोटे हैं। बस कर दो इकराम, पहले ही उसका दिल दुखा हुआ है और तुम ऐसी बातें करके और परेशान कर रहे हो उसे। मैं सच बोल रही हूँ अम्मी। बच्चो आप इस बात को जितनी जल्दी कबूल करके फराज भाई और उनके घर वालों पे मट्टी डाल देंगी ना, नहीं अच्छा होगा आपके लिए। सब ठीक हो जाएगा बेटे, दिल छोटा नहीं करो, अल्लाह मियां सब ठीक कर देंगे। जो हमारी अम्मी ना 1970 की, उनकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं ले। भाई देखें आप बहू हैं उस घर की, आपकी नंद की शादी हो गई और इन्होंने आपको बुलाना भी मुनासिब नहीं समझा। इसका मतलब तो यही हुआ ना फराज भाई अपना रिश्ता खत्म करना चाहते हैं आपसे। ये रिश्ता खत्म हो चुका है बच्चों, बस इसका दफन होना बाकी है। अच्छा आई एम सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी ना बच्चों।